वेलकम टू एम एस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, फाइन होंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली अब गुजरात से वापस जा रही है घर के लिए। तो फाइनली वन वीक का टूर काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, इन्जॉय किया, फ़न किया, खूब मस्ती की। आप लोगों ने देखी होगी रील्स वीडियो में फेसबुक इंस्टाग्राम पर, तो काफ़ी मस्ती की हम लोगों ने, अच्छा लगा। और आज हम अहमदाबाद में रात को रुक गए थे यहीं पर आके, तो बस अहमदाबाद से अब चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। पूरी फैमिली रिजर्वेशन हो गई है हमारी, और बस मम्मी और भाई वगैरह सब लोग मथुरा चले जाएंगे और हम लोग दिल्ली उतरेंगे, तो दिल्ली से सीधे फरीदाबाद। तो बस निकल रहे हैं अब, और अच्छा तो नहीं लग रहा, सोच रहे थे कि एक दो दिन और रुक जाएँ। बाकी ये है कि हाँ देखिए बच्चों की पढ़ाई है, तो वन वीक का टूर भी पूरी फैमिली का काफ़ी हो गया हम लोगों के लिए। और देखिए मेरे भाभी और भैया आ रहे हैं दोनों पीछे, और काफ़ी अच्छा लगा, सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा किया, फ़न किया, सब लोग फाइनली निकल रहे हैं हम लोग। चलिए आई होप आप लोगों ने भी किया होगा, वैसे हम लोगों के साथ काफ़ी इन्जॉय। तो आज का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस उधर से तो हम लोग अलग अलग आए थे, हम लोग फरीदाबाद से बैठे थे, सॉरी दिल्ली से बैठे थे यहाँ के लिए गुजरात के लिए राजधानी एक्सप्रेस से, बट मथुरा से सब लोग आए थे, लेकिन इस साइड से सब अलग अलग जा रहे हैं, सॉरी सब साथ ही जा रहे हैं। गाइस इस चीज़ पे वो मत करना, थोड़ा सा ना घूमने फिरने में माइंड की वो तारे लग गए हैं थोड़े से, तो कुछ निकल रहा है, तो इस चीज़ को आप वो मत कहना कि ऐसे बोल रही। बस पूरी फैमिली के साथ हैं, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ट्रिप में, कौन कहाँ जा रहा है, बच्चे, सामान, तो माइंड के तार हिल ही जाते हैं इतने वन वीक के टूर में। इतनी बड़ी फैमिली, सारे लोग थे हम, तो बस अभी निकल रहे हैं सारे, और चलिए मम्मी से मिलवाते हैं आपको। गाइस फाइनली बाय बाय करते हैं हम इसको, बाय बाय, और काफ़ी अच्छा लगा हम। चलिए अब चलते हैं और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे अब आगे रास्ते में। तो देखिए मम्मी भी रेडी हो गई हैं, अच्छे से सूट वूट पहन लिया येल्लो कलर का, तैयार हो गई हैं, सब हो गए तैयार, सब बस पे पहुंच गए हैं, अब सामान वामान रख रहे हैं। मम्मी भी हो गई, मम्मी ने भी काफ़ी इन्जॉय किया था हमारे साथ, देखा होगा आप लोगों ने समुंदर में और सब सबने काफ़ी किया। चलिए भाई जी देखिए यहाँ पे जो हमें ये माँ चामुंडा आवास के नाम से है, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें मिल गया था यहाँ पे, और बहुत ही रिलीफ लगा हमें यहाँ पे आके। काफ़ी मतलब उसमें है ये जगह में, बहुत स्पेसियस है और पार्क वगैरह भी है सामने, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ज़रूरत ही नहीं लगी कि हमें एसी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी यहाँ पर, बस फ़ैन में ही, नॉर्मली फ़ैन में ही हम लोग सोए, क्योंकि हवा ही इतनी ठंडी है तो ज़रूरत ही नहीं लगी। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर अहमदाबाद में, तो आप लोग आइए तो यहाँ पे रुक सकते हैं आप लोग। ये माँ चामुंडा आवास के नाम से है, तो अहमदाबाद में ही पड़ती है ये, अहमदाबाद से थोड़ी सी आगे है, तो आप लोग यहाँ पर मेन रोड पर ही दिख जाएगी आपको, आ सकते हैं आप लोग हैं। और बस हमारी तरह इंजॉय फन कर सकते हैं। रुकने की जो जगह होती है गाइस ट्रिप में अगर अच्छी मिल जाए तो फ्रेश व्रेश होने में अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, अगर रुकने की जगह अच्छी नहीं है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और ना ही घूमने फिरने में मज़ा आता, अच्छा भी नहीं लगता। तो सबसे पहले बॉडी सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहाना धोना ब्रश कुल्ला सारी चीज़ें अच्छे से, तो फिर मज़ा आता है घूमने में भी। तो देखिए सबसे पहला काम तो बॉडी का ही होता है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, शरीर हमारा फिट होगा तो हमें घूमने में मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा, सब कुछ लाइफ को एंजॉय करने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले बॉडी, नंबर वन काम बॉडी को अपना ध्यान रखिए अपना। चलिए तो देखिए हमारे बस उधर चल रहा है काम, तो देखिए हमारा सामान वामान यहाँ पे रखा जा रहा है अभी बस में। बच्चे काफ़ी खुश हुए घूम के, सभी लोग पूरी फैमिली ने मिलके काफ़ी मज़ा किया, बच्चों ने मज़ा किया। देखिए
मेरा भतीजा है, बैट लेकर आया था ये। देखो मेले बच्चे केले बट गए, केले मेले कितने हैं? नहीं ये है फास्ट वालों के लिए, जो फास्ट है। बाकी फास्ट किसका है? हमारा है मंडे का। क्या है प्याज की दुनिया भर ना चला गए प्याज? अरे एक दे दिया एक केला। कन्हैया दोनों भाइयों खाना है? दे दे दे। नहीं है दोनों खाना है? अरे तो और ले आना, ले खा ले बेटा, ले दो खा ले, वन स्पून खा ले। तो गाइज हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया यहाँ पे, और नाश्ते में यहाँ पे मिल रहा है पोहा ढोकला, अच्छा मिल रहा है काफ़ी। पोहा भी बिल्कुल बढ़िया है, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, मैं तो करके आ गई हूँ अभी। तो देखिए ढोकला यहाँ पे अच्छा है, मीठा है वैसे, बढ़िया ढोकला। पोहा काफ़ी अच्छा है, उसमें बढ़िया तरह से प्याज व्याज डाल के दे रहे हैं, मिर्च बट ठंडा। मम्मी कह रही है ठंडा है, तो ठंडा तो है ही, इतने सारे लोग आते हैं गाइस यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह ना, बस ये लोग। वैसे तो अच्छा बनाया है, काफ़ी ऑयली वगैरह नहीं है, ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं है। और ढोकला है उसके साथ मिर्च ये ज़रूर देते हैं, और तली हुई जो मिर्च होती है ना वो मोटी वाली, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रही है। और वो है सब यहाँ का गुजरात का जो फूड होता है, जलेबी फाफड़ा वो सब चीज़ें, बट हमें वो टेस्ट नहीं लगता तो हमने लिया भी नहीं, तो हमने बस वही सिंपल सा पोहा वगैरह, पोहा ढोकला ये सब लिया खाने में, और बस मैं अभी खा के आ गई। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, सब लोगों ने कर लिया यहाँ पर ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लिया सब। फाइनली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच रहे हैं, और अपनी गाड़ी को कर रहे हैं बाय। वन वीक के बाद काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी में, घुमाया इन लोगों ने, और वन वीक का ट्रिप रहा इसमें हमारा, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। और फाइनली हमारी 3:30 बजे ट्रेन है, और बस 2:30 बजे पहुँच गए, टाइम से पहुँच गए यहाँ पर, देखिए पूरी फैमिली हमारी। नंबर आना चाहिए गाड़ी का, तभी तो प्रमोशन होता है। यही है, इन्होंने हमारा वन वीक का जो ट्रिप है वो बहुत ही अच्छा कराया, बहुत मज़ा आया गाड़ी में। ये इनकी गाड़ी है, अगर आप लोग यहाँ पे आए तो ये नंबर है गाड़ी का, ये देख लीजिए अच्छे से आप लोग। और जब भी आप आए यहाँ पे तो गाड़ी लीजिए, और इनका नंबर हम दे देंगे, और इनका नंबर जो है कॉन्टेक्ट नंबर ये है, मैं और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी। आप लोग यहाँ आए अहमदाबाद में तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी आपको ये पूरा सफ़र कराएंगे, अच्छा गुजरात घुमाएंगे, कॉन्टैक्ट कीजिए इनसे। चलिए ठीक है, बाय। इसमें हमने वन वीक पूरा ट्रैवलिंग की।
गाइस आप लोग इन्हीं से कांटेक्ट कीजिए जब भी आपको गुजरात ट्रिप पे आना हो। बस काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस मिला है इनका, बहुत अच्छा लगा इनके साथ, हमें पूरी फैमिली को बहुत ही अच्छी सर्विस दी इन्होंने। तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो गाइस हमें अपनी ट्रेन खड़ी मिल गई है, देखिए ट्रेन खड़ी है हमारी, बस पूरी फैमिली एक दिन का और इन्जॉयमेंट है ट्रेन में। गाइस देखिए फैमिली के साथ तो ना ट्रेन में अच्छा लगता है, फ्लाइट में क्या एक दो घंटे में फटाफट से उतर जाओ जाके, कोई इन्जॉय नहीं है, बोल भी नहीं सकते उसमें अच्छे से। तो जब भी आप लोग इतने लंबे ट्रिप पे आएँ फैमिली के साथ तो ट्रेन से आएँ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ट्रेन से आइए आप लोग, काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बच्चे इन्जॉय करते हैं वनडे की ट्रिप में। ट्रेन से आइए, फ्लाइट से भी जाइए, अकेले चले जाइए, फैमिली के साथ तो मैं ट्रेन से जाऊँगी। देखिए अगर टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम की दिक्कत है तो भैया फिर तो जाइए फ्लाइट से, और अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो ट्रेन से घूमिए, इन्जॉय करिए फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगता है। फैमिली आ गई है, देखिए बच्चों ने ये सीट बीट बस स्टार्ट हो गए, ये लोग कौन कौन किस किस पे बैठेगा, ये नहीं है हमारा कोच, अच्छा दूसरा है, इसमें दो सीट है यहाँ पे हमारी, ये वाली पट्टी गाइस बहुत क्लीन पड़ी हुई है, यहीं से बन के चलती है ये गुजरात से, ये भी हमारी 25-26 की है, अच्छा मतलब ये वाली नहीं है, बाकी ये है 25-26 और वो किसी और। गाइस तो बस सभी लोग बैठ गए, हमारी फैमिली के बैठ रहे हैं सीट बीट, और ये जो ट्रेन है उसका नाम है गुजरात संपर्क क्रांति, और ये यहाँ से अहमदाबाद से बनकर चलती है दिल्ली तक के लिए। तो बस काफ़ी आराम मिला, रिलीफ मिला, और काफ़ी साफ सफाई है ट्रेन में, अच्छा लग रहा है काफ़ी यहाँ से, फर्स्ट एसी में बहुत ही बढ़िया है। तो बस अब वन नाइट लगेगी, बस एक रात और फैमिली के साथ, चलिए थक गए हैं काफ़ी, मुंह पे थकान लग रही है। गया है हमारे बच्चों का डिनर कब है सब लोग, चलिए दिखाते हैं। वैसे तो ट्रेन का खाना आप लोगों ने खाया होगा, देखिए यहाँ पे खा रहा है अभी बाबू, और इसकी प्लेट आई है ये, इसमें राइस पनीर की सब्जी दाल, ट्रेन का फूड है, ट्रेन का खाना अच्छा लगता है आपको, पसंद है, यही होता सबके, यही है, यही है सबका, बिल्कुल सेम ही है, किसी का भी अलग नहीं है। पंच भैया भी खा रहे हैं, ये पंच भैया खाना खा रहे हैं, पंच भैया अच्छा लग रहा है खाना, मजा आ रहा है खाने, पानी ठीक है, देखने वाला है, सभी जा रहे हैं, बाय बोलने का टाइम है, बाय करेंगे सबके साथ, और बस हम लोग तो दिल्ली उतरेंगे, और बाकी भैया फैमिली सभी लोग यहाँ उतर जाएंगे। मतलब ध्यान रखियो जो बात कही गई है, सोना अच्छी बाहर खड़ी में जा रही है, बाय बाय।
और अगर तुम बचाओ तो तुम देख लियो हैं, अगर तुम बचाओ तो गाइस बाय बाय कर रहे हैं अब वन वीक ट्रिप के बाद। सभी लोग मथुरा आ गया है, मथुरा उतर रहे हैं हम लोग तो दिल्ली उतरेंगे। 3:30 का टाइम है, 3:30 बजे अभी मॉर्निंग 3:30 बस। देखिए मथुरा जंक्शन है, मम्मी वगैरह समय कर रही होंगी। देख रहे हैं क्या खड़ी है, ठीक है नमस्ते आंटी, फिर मिलेंगे हम तो मिलते ही रहते हैं। चलो चलो जा रहे हैं। गाइस फाइनली हम भी पहुंच गए हैं दिल्ली, नई दिल्ली जाएंगे फरीदाबाद का। सभी लोग उतर गए, बच्चे बच्चे मेट्रो से चले जाएंगे। गाइस तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 5:30 बजे और मेट्रो स्टेशन अभी खुला नहीं है, बंद है, क्लोज है। 6 बजे खुलता है और 11 बजे रात को बंद हो जाता है। बस सब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर भीड़ है काफ़ी, खुलेगा तो फिर मेट्रो जाएगा। गाइस फाइनली पहुँच गए हैं निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, बस अभी हमारी मेट्रो आने वाली है, जाएंगे वापस। देखिए जाते टाइम कैसे सफल हो रही, इतना एंजॉय किया, काफ़ी खराब कर रही पूरी हालत की। तो गाइज़ फाइनली पहुंच गए हैं घर पर सभी लोग और बस अब गरम गरम पानी से नहाएंगे धोएंगे पूरी फैमिली, काफ़ी थक गए हैं 1 वीक के टूर में और अब बस थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होंगे। आई होप आपको गुजरात व्लॉग्स काफ़ी पसंद आए होंगे, काफ़ी मेहनत की है बनाए हैं और आप लोगों के लिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस करते रहिए जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएं आगे की। चलिए तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू अगेन, बाय बाय।